गोरखालैंड की बात है जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने हिंदू मुसलमान की बात कही तो मुझे एक बात याद आ गई मुनीर नियाज जी की, जो पाकिस्तान के शायर हैं, तो उन्होंने कहा है ईश्वर की पूजा हो या खुदा की इबादत, हर खेल का मैदान इधर भी है उधर भी, हिंदू मजे में है मुसलमान मजे में है, इंसान परेशान इधर भी है। क्या बात है, वाह। फिर जनाब जनाब फिर से इसको पढ़िए, इसको फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। ईश्वर की पूजा हो या खुदा की इबादत, हाँ। हर खेल का मैदान इधर भी है उधर भी है, हिंदू मजे में है मुसलमान मजे में है, इंसान परेशान इधर भी है उधर भी। क्या बात है सर, बहुत खूब बहुत खूब। वही परेशान इंसान दार्जिलिंग से यहाँ पर आए, क्योंकि 1907 साल में गोरखालैंड बोलकर एक डिमांड हुआ था दार्जिलिंग में कि गोरखाओं को एक अलग प्रदेश मिलना चाहिए, उनका इतिहास उनका भूगोल उनका संस्कृति सब कुछ उनका अलग है। तो 1907 से लेकर अभी तक, अब पिछली बार तो बीजेपी सरकार आई, 2009 में हमने बीजेपी के जसवंत सिंह को भेजा, जसवंत सिंह को साहब को भेजने के बाद हमें लगा जस्ट वन सिंह, एक ही सिंह को भेजा हमने, कोई कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद 2014 में मोदी जी आए, आप लोग तो सब जानते हैं क्या बोलते हैं मोदी जी, वो बोलते हैं अमेरिका में बोले तो अमेरिका चुप हो गया, ऑस्ट्रेलिया में गए वहां भी चुप हो गया, और हम किस खेत की मुनि हैं, तो हमारे यहाँ आए थे और बोलने लगे कि अब तुम्हारा सपना गोरखाओं का सपना, गोरखाओं का नहीं, गोरखाओं का सपना मेरा सपना है, बोले थे, बोले थे। तब 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 हमें भी लगा, हमें भी लगा, पहली बार देश की एक प्रधानमंत्री है, उसके पहले वाले जो थे वो बोलते नहीं थे, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, कोई बात नहीं बोलते हैं ठीक है। पॉलिटिकल 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 देखिए पॉलिटिकल बात नहीं कहेंगे, हम अपना मैसेज देंगे, हम अपना मैसेज देंगे, एक बात अपना मैसेज देंगे। तो उन्होंने कहा था अब आपका सपना आपका नहीं है, हमारा सपना है, माने देश के प्रधानमंत्री का सपना है। हम तो इतने मूर्ख आदमी है, पहाड़ में तो आदमी की बात छोड़िए पेड़ भी सीधे होते हैं, आदमी की तो बात ही छोड़िए, तो हम भी विश्वास कर बैठे, लेकिन बोलते आप भी बहुत अच्छा है। 4 साल गुजर गया, अब तक वो सपने का क्या हुआ, हम उनको सपने से उठाने के लिए आए हैं दिल्ली। बहुत अच्छी बात है, सपने से उठाने आए हैं, और तमाम सारे गोरखालैंड के तमाम सारे आप भी आई हैं, थैंक यू सो मच, आप मेरे शो में शरीक हुए, इधर से तमाम गोरखा की लैंड की आवाज उठाते हुए लोग तमाम सारे शरीक यहाँ पे लोग बातचीत करेंगे। इतिहास जी, ये गोरखालैंड की मांग को लेकर यहाँ बताया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो आप मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे नाना सबको गोरखा और बहादुर गोरखा पाएंगे, यही शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सामने गोरखा खड़े हैं, हिंदुस्तानी फौज का सबसे बहादुर धड़ा है, मुझे अफसोस हो रहा है इनको देख के, सरकार को चाहिए कि इनको सपोर्ट करे, सरकार को चाहिए, सरकार को चाहिए इनका, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार सरकार को चाहिए कि कोई रास्ता जरूर निकाला चाहिए आपके लिए। देखिए अभी हमें राजनीति पर सोचने में, अभी कौन राजनीति कर रहा है ये सोचने में मुझे कोई परिभाषा देनी पड़े तो मुझे कहना होगा कि कुछ नहीं कहने के लिए बहुत कुछ जो कह सकता है वही पॉलिटिशियन हो जाता है। और सरकार भ्रष्टाचार पर चिंतित है, बेरोजगार पर चिंतित है, अरे सरकार इतना चिंता करेगी तो दुबली हो जाएगी सरकार। और नेता होने से पहले अभिनेता होना बहुत जरूरी है, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब मोदी जी आए थे 2014 में तो उन्होंने कहा था अरे गोरखाओं के साथ तो हमारा पुराना रिश्तेदारी है, क्योंकि मैं चाय बेचता था आप चाय उगाते हो,
तो हमने कहा कि अरे जनाब वजीर आजम, आप चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए, हम चाय उगाते उगाते अभी ये हालत है कि चाय बगान बंद हो रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप क्या है कुछ भी कहें, लेकिन आप बहुत शार्प हैं, आप नेता अच्छे हैं। और एक दूसरी बात, आप नेता अच्छे हैं लेकिन अभिनेता उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। ये आप मेरे ही माने बात है, आप ही क्या बात है, मुझे ही लौटा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ ये, इसीलिए कि 2009 में 2014 में दो बार बीजेपी के एमपी दिया हमने, दोनों बार लिखा था, दोनों बार लिखा था उनकी घोषणा पत्र में लिखा था कि हम सिंपैथेटिकली कंसीडर करेंगे। अब 10 साल होने को है कि ये सिंपैथी कहां पर है और कब आएगी हमें नहीं मालूम। कब आएगी? दिस इज अ वैलिड पॉइंट।